नमस्कार, मैं साजिदा खातून बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम लोग क्लास फर्स्ट का चैप्टर 4 करेंगे, जो हिंदी सेकंड में है, जिसका शीर्षक है संज्ञा। तो संज्ञा बेसिकली होती क्या है? संज्ञा बच्चों देखिए, किसी का भी नाम, चाहे वो किसी इंसान का नाम हो, चाहे वो किसी जानवर का नाम हो, चाहे वो किसी वस्तु का नाम हो, वस्तु यानी थिंग्स यानी नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, या किसी जगह का नाम हो, या हम किसी अपने मन के भाव, मतलब जिन भी चीजों का कुछ न कुछ नाम होता है, जिन भी चीजों को हम लोग नाम से बुलाते हैं, तो वो सारी चीजें क्या कहलाती है? संज्ञा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, जैसे मेरा नाम साजिदा है तो मैं भी एक संज्ञा हूँ, आपका भी जो भी नाम होगा आप संज्ञा हो। जैसे कि आप, हम लोग बाराबंकी में रहते हैं तो बाराबंकी एक जगह का नाम है, तो ये भी संज्ञा है। लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, आगरा, कानपुर, ये सब संज्ञा है। चाहे हम लोग बात कर ले स्कूल की, बैंक की, पार्क की, चिड़ियाघर की, ये हमारे घर की, ये सब संज्ञा है। हमारे घर में हमारे में दिखने वाली चीजें, जैसे हमारा बेड, हमारे मेज, कुर्सी, और किसी के यहाँ टॉर्च, बॉटल, क्रीम, ये सारी चीजें, जो सारी वस्तुएं हैं, ये सब संज्ञा है। अगर हम लोग बाहर निकले तो पेड़ पौधे या जानवर जो हमने दिख जाते हैं, गाय, भैंस, बकरी, ये सब एक संज्ञा है। और उसी के साथ साथ अगर हम अपने मन के भावों को, जैसे कि खुशी जो अंदर से है या दुख है, या इंसान कैसा दिख रहा है आपको, उसका वो मोटा है यानी उसका मोटापा, उसका बुढ़ापा, उसका बचपना, उसकी जवानी, ये सब भी हमारा संज्ञा के अंतर्गत आता है। यानी हम कह सकते हैं बेसिकली व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम और भावों के नामों को हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यानी संज्ञा की परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम राम, वस्तु का नाम किताब, आगरा स्थान हो गया, और बुढ़ापा किसी भी व्यक्ति के एज को डिफाइन कर रहा है, ये उसका भाव है, तो ये भी हो गया हमारा संज्ञा। तो ऐसे ही शब्द संज्ञा कहलाते हैं। यानी हम लोग ऐसा कह सकते हैं, कोई भी नाम जो होता है वह संज्ञा कहलाता है। इसी तरह हम लोग किस, जैसे कि अगर हम लोग बात करें लखनऊ, दिल्ली, आगरा, राम, किताब, गाय, घर, गांधी जी, नरेंद्र मोदी या शिवाजी, राजेंद्र प्रसाद, किताब, दवा या दवात हुआ, या शेर, चीता, भालू, ये सब संज्ञा होती हैं। अगर हम लोग बात करें फ्रिज की, टेलीफोन की, कंप्यूटर की, जो हमारे घरों में उपलब्ध हैं, और रेडियो, अलमारी, पंखा, एसी, ये सब बच्चों क्या है, ये सब संज्ञा है। तो बेसिकली आपको संज्ञा में, क्लास फर्स्ट में सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि संज्ञा होती क्या है। तो संज्ञा, किसी भी नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। इससे रिलेटेड आपको जो भी नोट्स होंगे वो आपको स्कूल मित्र ऐप पर मिल जाएंगे। धन्यवाद।